साविन जी, एक सवाल एआई एमआईएम को लेकर है और एक सवाल वो मुस्लिम समुदाय से भी जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं मुसलमान को लगता है, जो पिछड़े हैं या फिर जो उसमें अग्रे हैं, कि हमको अगर लालू यादव में भरोसा अब नहीं रहा, इतने साल वो शासन में रहे, फिर जेडीयू बीजेपी में रहे, तो वो जो दिखता है उसके पाले में चले जाते, जो उनको उनको लगता है हमारी नुमाइंदगी कर सकता, और वैसे ही खुलकर बोलते हैं कि आपको अपनी ताकत पहचाननी पड़ेगी। वो पार्टी बिहार आती है, 5 सीट लेकर चली जाती है, उसमें से अधिकतर जेडीयू में शामिल भी हो जाते हैं। आपका मैं एक बयान सुन रहा था हालिया इंटरव्यू, जिसमें आप कह रहे थे कि आप ओवैसी को अच्छे से जानते हैं, आपके मित्र हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि हाल के जो 2 उपचुनाव हुए, कुरहन्नी में और गोपालगंज में, गोपालगंज में आरजेडी अगर हारती है तो एआई एमआईएम का कैंडिडेट अभी भी 12,500 वोट लेकर जाता है, अब्दुल समद को मिलता है। आपको लगता है कि क्या ओवैसी एक बड़ा फैक्टर है? देखिए, पता नहीं है, हाँ, मीडिया सिर्फ सामने रिजल्ट करके परसेप्शन बना देती है, इसको थोड़ी बदलनी चाहिए। तो 12,500 वोट परसेप्शन तो नहीं है? नहीं, आप यही मैं कह रहा हूँ ना कि जब तक कि आप जमीन की हकीकत को नहीं समझेंगे तो एक्चुअल फिगर सामने नहीं आएगी। 5 सीट जो जीता वो किशनगंज और बगल के एक जिला से, किशनगंज में 4, वहां मुसलमानों में जाति फैक्टर बहुत बड़ा है, और इसका उदाहरण एक नहीं, आप 30 साल में उठाकर देख लेंगे। वहां सूर्या पूरी एक कास्ट है, अच्छा, जो मुसलमानों के जितने भी 65% हों उसका तकरीबन 80% वही कास्ट है, और वो अपने कास्ट को वोट देते हैं एकदम बिल्कुल डेडिकेटेड तीर की तरह। जो वहां उनका अध्यक्ष है वो सूर्यापुरी है, वो निर्दलीय इलेक्शन लड़ता है, चाहे इससे पहले एमआईएम के पहले से भी लड़ा तो 2 लाख वोट प्लस लाता है, इलेक्शन हारा या जीता उसका वोट वही लड़ाई में रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इनके पार्टी के वजह से वोट आ गई, मुसलमानों का ऐसा है, मुसलमान आरजेडी से नाराज है पूरे बिहार का, लेकिन उसके पास भाजपा के सामने विकल्प नहीं है, तो वैसी फर्स्ट प्रायोरिटी है, मैं इसको नहीं मानता। आपने जो उपचुनाव की बात की कि अपना कुरहन्नी और गोपालगंज का मुसलमानों की संख्या बहुत ठीक ठाक है, जो इलेक्शन लड़ा उसकी अपनी ताकत ऐसी थी कि 10,000 वोट वो इलेक्शन का नॉमिनेशन भर के ला सकता था, लेकिन उसको सिंबल लगा, लगने को आदमी लगता है कि मैं ऐसे ही लड़ना है, अगर सिंबल ऐसा मिल जाता है जिसपे मैं अपने नारा को बुलंद कर सकता हूं तो वो नारा को बुलंद करने के लिए सिंबल ले लेता है। वो वोट पार्टी को नहीं मिली, उसको इंडिविजुअल मिली। आपको उसकी जानकारी ले लीजिए, अगर ये बात सत्य होगी तो मैं आपके सामने कैमरे पे माफी मांगूंगा। तो आपने सारे समीकरण हमको गिना दिए 14 से लेके और उपचुनाव तक के, अब तो एक बहुत बड़ा चुनाव 2024 का है, उसमें बिहार का मुसलमान क्या करेगा? मुसलमान देखिए, अभी भी अगर उसको विकल्प अगर ठीक से उसको नहीं समझाया गया तो आज तक जो करते आ रहा है 30 साल से वही करेगा। क्या करेगा मतलब? देखिए, ओवैसी के पास तो देखिए, ओवैसी के 2 सीट, ओवैसी का अपना सीट छोड़कर जितने भी सीट उस देश में छोटा या बड़ा जीता है उसके कारण को समझना चाहिए। तकरीबन उसका जो दूसरा एमपी है, मैं उसको 4 साल पहले बोल दिया कि इस बार तुम वो सीट जीतोगे, क्योंकि मैं वहां गया था जहां से उसका दूसरा एमपी है, जो मुंबई में जीता था वहां का समीकरण को मैं जानता हूं। तो ये ओवैसी की वजह से हो सकती, थोड़ी लहर को तेजी मिल सकती हो, लेकिन ऐसा आदमी कि एक भाई यहां बात करता है, उसके दूसरे भाई का आप स्पीच सुनिए, नहीं सुन लीजिए ना, आपका बड़ा नेटवर्क है, सच लोगों के सामने जाना चाहिए, ऐसा सच कोई नहीं बोले, उसके भाई का भाषण सुने, इस मुल्क के जमहूरियत में ऐसा भाषण दिया जा सकता है क्या? वो तो खैर, तो फिर तो टुकड़े टुकड़े वाले कमाल है, तो ऐसे शख्स को मुसलमान कैसे पसंद करेगा? कुछ लोग हो सकते हैं ऐसे मानसिकता का, लेकिन हर मुसलमान नहीं हो सकता। इसलिए मैंने कहा था कि ओवैसी को मैं जानता हूं, इस मुल्क में कोई भी शख्स जो देश को तोड़ने की बात करता है वो अच्छा इंसान तो नहीं हो सकता, चाहे मैं क्यों ना।